वेलकम फ्रेंड, होम टेक साइंटिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सूर्या कंपनी का गीजर है, इलेक्ट्रिक गीजर है जो कि 3 लीटर का है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इसको ज्यादा टाइम हो गया है, 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लगभग 2 साल जैसे हो चुके हैं। तो ये लेट यानी जो इसका टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत देर में ही पानी गर्म करता है। तो क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब आप देखिए इसकी जो कट ऑफ लाइट है रेड वाली, कितनी देर में जलेगी, आप खुद देख सकते हैं इसको। देखिए, आपको एक आवाज सुनाई दे रही होगी, इस तरीके की इसमें आवाज आ रही है। और ये जो आवाज है इसका मतलब है कि इसकी जो क्वाइल है उस पर जो कि पानी का जो सफेद सफेद खार रहता है या अपन नमक कहते हैं, वो चढ़ चुका है। तो ये टाइमिंग करने के लिए हमको इसको साफ करना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आपको ये दो दिख रहे हैं, ये दो खोलना है, या आप इधर से खोल सकते हैं जहां से आपका ज्वाइंट है। ये दो खोलने के बाद, प्लग निकालने के बाद, इसको कैसे क्लीन करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा। देखिए, इतनी देर में नहीं हुआ है। अब मैं इसको खोल के इसको साफ करता हूँ, फिर आप इसकी टाइमिंग देखिएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको बेनिफिट बताता हूँ, आपकी बिजली की बचत होगी। क्योंकि ये यदि 15 मिनट लेगा, ये बहुत बड़ी क्वाइल होती है, यदि ये 15 मिनट तक चलेगी तो आपकी बिजली भी ज्यादा खाएगी। इसलिए आपको इसको ठीक करना है, ठीक करने से टाइम पीरियड इसका कम हो जाएगा। तो इस गीजर को हम खोलते हैं और फिर देखते हैं। ये गीजर को हमने खोल लिया है, आप इस तरीके से खोलें। ये जो एक सिंगल नट है, तो आप इस वाली नट को खोल लें, जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन सा राइट है, कौन सा प्लस है, कौन सा हॉट वाटर है। तो एक ये खोलें, एक इसको खोलें, तो फिर आपको लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पलटाते हैं और इसके हम ये चारों नट खोलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा इसका कैबिनेट खुल जाएगा। इसके बाद आगे का बताते हैं। ये चारों नट खोलने के बाद इस तरीके से ये निकल जाता है। अभी निकलने के बाद हम ये पूरे, ये वाले ये आप देख रहे हैं, ये पूरे नट हम खोलेंगे तो ये पूरा बाहर निकलेगा। तो अब मैं ये चारों, ये पूरे नट खोलता हूँ, इसके बाद आगे बताता हूँ। देखिए, इसके हमने ये अभी पूरे सारे नट खोल लिए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। देखिए, अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये हमने, ये देखिए पानी भरा हुआ है, आपको दिख रहा है, और ये स्थिति इसकी। इसको पूरा निकालता हूँ मैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस वजह से ये टाइमिंग ज्यादा ले रहा था। तो इसको ही हमको क्लीन करना है, तो इसको हम अच्छे से साफ करेंगे फिर लगा देंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप इसके टैंक में कितना सारा खार है, आपको दिख रहा है। ये पूरा मैं हाथ डाल के बताता हूँ, ये देखिए, ये इसी में टूट टूट के गिरता रहता है। तो इसलिए इसकी सर्विसिंग भी बहुत जरूरी है, जिसमें इसकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी बढ़ जाती है, समय भी कम लेता है। चलिए, इसको हम साफ करके पूरे को फिर लगाएंगे, फिर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले और अब में फर्क, ये हमने इसको साफ कर दिया है। और यहाँ कोई क्वाइल भी देखी, हमने इसको ठोक के जितना हो सकता था साफ उतना कर दिया। यदि ये ज्यादा खराब है तो इसको बदलना पड़ता है, तो अभी फिलहाल ये काम चल जाएगा। तो इसको हमने साफ कर दिया है और ये देखिए, अब हम इसको लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद अब आप इसकी परफॉर्मेंस और टाइमिंग में फर्क देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको अब हम ठीक कर चुके हैं और इसकी परफॉर्मेंस में फर्क आ चुका है। ये अब उससे भी बहुत कम टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से आपके कोई भी घर का गीजर, उसको इस तरीके से खोलकर यही सफाई करना होती है, जिससे ये प्रॉपरली वर्क करने लगता है। तो यदि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरीके के हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिससे आप घर पर ही कुछ काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।